मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल समारोह में प्रतिष्ठित बल्लारपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 67वें राष्ट्रीय स्कूल एथलीट टूर्नामेंट उद्घाटन करते हुए महाराष्ट्र के मिशन ओलंपिक 2036 की आधिकारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिंदे ने आयोजन की ऐतिहासिक रचना पर जोर देते हुए कहा कि यह पहला उदाहरण है जब राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट की मेजबानी तालुका स्तर पर की गई है। उन्होंने उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करते हुए त्रुटिहीन रूप से आयोजित टूर्नामेंट के आयोजन के लिए चंद्रपुर के संरक्षक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को श्रेय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए शिंदे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 में भारत में ओलंपिक लाने पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। चंद्रपुर में राष्ट्रीय स्कूल एथलेटिक्स टूर्नामेंट की मेजबानी मोदी के ओलंपिक में बदलने की दिशा में महाराष्ट्र का यह पहला महत्वपूर्ण कदम है। मंच पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खेल मंत्री संजय बंसोड़े, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर और कई प्रशंसित एथलीट उपस्थित थे। इस उद्देश्य के प्रति पुनः समर्पण का आश्वासन देते हुए शिंदे ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र मिशन 2036 के लिए एथलीटों को तैयार करने और विकसित करने में हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। इस मिशन के तहत प्रतिबद्धता के रूप में सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल की घोषणा की है कि यहाँ पर आए हुए सभी जो खिलाड़ी हैं, वो अपना अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी तरह अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर एक जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उन्होंने खेलो इंडिया फिट इंडिया ये खिलाड़ियों के लिए जो बहुत जो कदम बढ़ाया है, जो कोशिश शुरू की है, और इसलिए उनका सपना जो है 2036 में ओलंपिक भारत में हो, उस पर बैठक भी मुंबई में उन्होंने ली। और निश्चित रूप से मोदी जी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, मोदी गारंटी ये पूरे देश में चलती है। मैं यहाँ पर इस जिले का एक नागरिक के नाते, इस विधानसभा के विधायक के नाते और इस जिले के पारित मंत्री के नाते आए हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक के इस भारत से आए हुए मेरे सभी खिलाड़ी भाई बहनों का हृदय से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के इस वीर भूमि में स्वागत करते हुए पूरे विश्व में 193 देशों में 14 देशों में बाघ है। भारत में 65% टाइगर्स है और मैं ये अभिमान से कहता हूँ कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इस वाघों की भूमि में। इस वाघों की भूमि में स्वागत करते हुए हमारे जिले की आराध्य देवता शक्तिदायिनी देवी माता माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए आए हुए इस देश के विभिन्न भागों से आए हुए मेरे ये सभी खिलाड़ी भाई बहनों को ऊर्जा दे, उत्साह दे, शक्ति दे और 2036 के ओलंपिक तक पहुंचने का सामर्थ्य दे, ये मैं शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। शिंदे ने आगे बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हर गांव में एक खेल का मैदान स्थापित किया जाएगा जो एक समृद्ध खेल संस्कृति के लिए आधार तैयार करेगा और भविष्य के ओलंपिया के पोषण के लिए राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रतिबंधित करेगा। 34 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1551 एथलीटों ने इस भव्य प्रदर्शन के लिए पंजीकरण करा है, जिसमें 784 लड़के और 697 लड़कियां हैं, जो 1481 छात्र प्रतिभागियों की एक शानदार भागीदारी है। बल्लारपुर में बुधवार से शुरू हुआ यह खेल आयोजन 31 दिसंबर तक चलेगा। बल्लारपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रतिभा के बहुमुखी प्रदर्शन का केंद्र होगा, जिसमें प्रतिभागी विभिन्न खेल विषयों में सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता में विविध खेलों के 25 राष्ट्रीय चैंपियन भाग लेंगे। बल्लारपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आवास, कोचिंग और भोजन सहित सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
प्रतियोगिताओं को देखने के लिए प्रतिष्ठित हस्तियां, राष्ट्रीय एथलीट और विभिन्न राज्यों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद एक भव्य लेजर और आतिशबाजी शो हुआ। इस शानदार कार्यक्रम को देखने के लिए चंद्रपुर और बल्लारपुर से हजारों लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम 28 दिसंबर को लड़कों और लड़कियों के लिए 1500 मीटर, 400 मीटर और 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट और 4x100 मीटर रिले के प्रारंभिक दौर हुआ है। 29 दिसंबर को लड़कों और लड़कियों के लिए 800 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड़, पोल वॉल्ट, लंबी कूद, 5000 मीटर और 3000 मीटर दौड़ और अतिरिक्त टीम स्पर्धाओं के लिए प्रारंभिक दौर है। 30 दिसंबर को क्रॉस कंट्री 400 मीटर बाधा दौड़, पोल वॉल्ट, ऊंची कूद, लंबी कूद, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 3000 मीटर दौड़ का फाइनल स्पर्धा का आयोजन है। इस भव्य दिव्य राष्ट्रीय खेल समारोह में हजारों की संख्या में खेल कूद प्रेमी हाजिरी लगा रहे हैं। बल्लारपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताड़े की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।